हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिंजर चिली पेस्ट की एक छोटी सी रेसिपी बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि इसे हम साल भर तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। जिंजर चिली पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम अदरक लिया है और 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। अदरक का जस्ट हाफ हमें हरी मिर्च लेनी है। अदरक को और मिर्ची को हमने अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया है और जो मिर्ची की ऊपर की टोपी होती है उसे निकाल दिया है। आप भी इसी तरीके से अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से धो लें जिससे कि उसमें बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। जिंजर चिली पेस्ट का इस्तेमाल हम अपने रोज़ के खाने में करते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा जिंजर चिली पेस्ट बनाना बहुत परेशानी का काम है क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है तो हम उसको मिक्सर में पीस नहीं पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम ये जिंजर चिली पेस्ट कैसे बनाएं और इसको हम लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रखें। मार्केट में जिंजर चिली पेस्ट इजीली अवेलेबल है लेकिन उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। यहाँ जो मैं जिंजर चिली पेस्ट आपको बताने जा रही हूँ उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। सबसे पहले हम अपनी मिर्ची के टुकड़े कर लेंगे। इसी तरीके से आप अपनी सारी मिर्ची काटते जाएं। ये देखिए हमारी सारी हरी मिर्चियां कट गई हैं। अब हम अपने अदरक को काटेंगे। हमें अदरक को छीलना नहीं है क्योंकि हम उसको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से धो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, एकदम बारीक बारीक, जिससे कि ये आसानी से पिस जाए। इस तरीके से आप अपना अदरक काटते जाएं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े करें। अगर आप खाने में लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप इसी जिंजर चिली पेस्ट में लहसुन को भी पीस सकते हैं। उसके लिए जितनी हमने मिर्ची ली है यानी कि 100 ग्राम, उतना ही आप लहसुन भी ले लें और उसको भी अच्छे से धो के और छील के इसमें मिक्स करके पीस लें। ऐसा करने से आपका जिंजर चिली और लहसुन पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा और उसको भी आप इसी के तरीके से स्टोर करके रख पाएंगे। इसी तरीके से आप अपना सारा अदरक बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें। ये देखिए हमारी सारी मिर्ची और अदरक कट करके तैयार है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में एकदम बारीक पीसेंगे। अब हम अपने जार में थोड़ा थोड़ा करके ये कटे हुए अदरक और मिर्ची डालेंगे। हमें एक साथ इसको नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। हमें इसे पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही हम इसे पीसेंगे। हमें इसे इस तरीके से पीसना है कि हमारे मिक्सर ग्राइंडर पे ज़्यादा जोर भी ना पड़े, इसलिए हम इसे बीच में बंद कर कर के पीसेंगे। हम पहले इसे 2 मिनट के लिए पीसेंगे। 2 मिनट लगातार पीसने के बाद ये इस तरीके का हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करेंगे। अब वापस से इसे 2 मिनट के लिए पीसेंगे। ये देखिए हमारा अदरक और मिर्ची एकदम बारीक पिस गया है। इसी तरीके से आप अपना सारा अदरक और मिर्ची पीस करके तैयार कर लें। हमने इसे 2-2 मिनट के लिए 2 बार मिक्सर में पीसा था और 4 मिनट में ये पिस करके बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरीके से बीच बीच में रोक कर इसे पीसें जिससे कि आपके मिक्सर ग्राइंडर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और वो बीच में बंद नहीं होगा। हमारा जिंजर चिली पेस्ट बन करके बिल्कुल तैयार है।
आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बारीक पिसा है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि पिसने के बाद इसमें जो भी लिक्विड है वो ये पेस्ट एकदम सोक कर लेगा और हमारे पास सिर्फ ये पेस्ट बचेगा, बिल्कुल लिक्विड नहीं रहेगा। तो हमको इसको पैक करके स्टोर करने में आसानी होगी। 1 घंटा हो गया है और अब हमने अपने जिंजर चिली पेस्ट को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमारे पेस्ट ने सोख लिया है। अब हम इसको स्टोर करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे स्टोर करना है। आप इसे 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। या तो आप ये छोटे वाले जिपलॉक पैकेट्स ले लें, इनमें आप इसको पैक करके रखें, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल में इसे पैक करें। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से इसको स्टोर करें। जिपलॉक पैक में जिंजर चिली पेस्ट स्टोर करने के लिए हम इस पैकेट को खोलेंगे और हमें जितना जिंजर चिली पेस्ट एक बार के यूज़ के लिए चाहिए उतना हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि अगर हमको 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट लगता है एक बार में, तो हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग जिंजर चिली पेस्ट डाल देंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से पैक कर देंगे। ये देखिए हमारा जिंजर चिली पेस्ट का पैकेट तैयार है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा पैकेट भी बना के दिखा देती हूँ। पैकेट को खोलेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून से ज़्यादा एक बार में हमें नहीं लगता है, लेकिन आपको जिस हिसाब से यूज़ करना हो आप उस हिसाब से पैकेट में पेस्ट डालें और इस तरीके से इसको बंद कर दें। ये देखिए हमारा दूसरा पैकेट भी तैयार है, इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। एक पैकेट में 2 टेबल स्पून के लगभग पेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड के लिए हम ये एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और इसको थोड़ा सा काट लेंगे लंबा लंबा। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये लंबा लंबा काटा है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे, थोड़े बड़े पीसेस करेंगे। एक टुकड़े में से 3 पीसेस कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक पीस में लगभग 1 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट रखेंगे, इसको थोड़ा सा फैला देंगे और हल्के हाथ से एक ये फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये पैक हो गया अच्छे से। इस तरीके से भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको भी एक जगह प्लेट में रख देंगे। मैं आपको दोबारा से करके बता देती हूँ। हम एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लेंगे, उस पे जिंजर चिली पेस्ट रखेंगे लगभग 1 टेबल स्पून। फर्स्ट फोल्ड इस तरीके से, सेकेंड फोल्ड, हमें इसे चारों तरफ से कवर कर देना है और हल्के हाथ से कवर करें जिससे कि हमारा जो पेस्ट है वो बाहर ना आए। सी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पैक हो गया है। अब हम इसको भी प्लेट में रख देंगे। आप इसी तरीके से अपना पूरा जिंजर चिली पेस्ट पैक करके रख लें। ये देखिए मैंने जिंजर चिली पेस्ट के सारे पैकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से पैकेट्स बनाकर तैयार कर लें। अगर आपको जिपलॉक पैकेट्स मिल जाते हैं तो आप उनमें स्टोर करें, अदरवाइज आप एल्यूमिनियम फॉइल में भी स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। पैकेट्स बनाने के बाद आप कोई भी थोड़ा बड़ा सा डिब्बा ले लें, उसमें ये पैकेट्स डाल के बंद करके फ्रीजर में रख दें। आप इसको आसानी से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा।
ये आपके खाने को सेम वही टेस्ट देगा जो कि आपको फ्रेश जिंजर चिली पेस्ट से मिलता है। मैं ये हमेशा बना के रखती हूँ और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो, आप खाना बनाने से 5 मिनट पहले एक पैकेट निकाल के रख दें। जब तक आप खाना बनाना स्टार्ट करेंगे, ये हल्का सा नरम हो जाएगा और आप इसे इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीज़र में रखने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। इसे सॉफ्ट करने के लिए आप खाना बनाने से 5 मिनट पहले निकाल के रख दें और इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।